रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें, मॉनसून में देरी और जबरदस्त गर्मी के कारण आमों का जो राजा दशहरी खास बनकर रह गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के दशहरी आम का सीजन न केवल कम दिनों का रह गया है, बल्कि कीमतें भी इसकी रिकॉर्ड तेजी पर है। इस बार दशहरी आम बाजार से पहले के मुकाबले 15 दिन पहले ही गायब हो जाएगा। बता दें कि बागवानों के मुताबिक इस बार जून के आखिरी तक दशहरी बाजार से गायब हो जाएगा। सामान्य तौर पर दशहरी आम बाजार में 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक उपलब्ध होता है। वही बारिश ना होने से दशहरी डाल पर ही खराब होने लगा है और इसकी तोड़ाई का काम तेज हो गया है। आम कारोबारियों का कहना है कि बीते 10 वर्षों में पहली बार दशहरी आम की कीमतें इतनी तेज हैं और आने वाले दिनों में भी इनके कम होने के आसार अभी नहीं है। उनके मुताबिक कीट का असर ना होने से दशहरी आकार में बड़ा और उम्दा किस्म का आ रहा है, लेकिन बाजार की मांग के मुताबिक उत्पादन खासा कम है। इस बार सीजन के पीक में भी खुले बाजार में अच्छी किस्म के दशहरी की कीमत 60 से 80 रुपए के बीच चल रही है, जबकि निर्यात के लिए ऑर्डर 100 रुपए किलो या उससे अधिक दाम पर लिया जा रहा है। वहीं बता दें कि मलिहाबाद की नफीस नर्सरी के में बता दें कि एक व्यक्ति ने ये कहा है कि गर्मी और कीटों की मार से बचे दशहरी का आकार शुरू में अच्छा रहा, लेकिन कीमत भी बढ़िया मिली, मगर बाद में बारिश ना होने से बता दें कि सीजन के आकार भी बिगड़ा और जल्द ही ये ख़त्म भी होने लगा। वहीं बता दें कि बीते 2 वर्षों के मुकाबले इस बार मई के आखिरी हफ्ते में ही दशहरी मुंबई दिल्ली जाने लगा और खाड़ी देशों के अलावा थाईलैंड भी इसे भेजा गया। सामान्य वर्षा में प्रदेश में आम का सालाना कारोबार 2400 से 2500 करोड़ रुपए का रहता था, लेकिन बीते साल कोरोना की भेंट चढ़ने से 800 से ये 1000 करोड़ रुपए के बीच रह गया है। इस बार हालांकि पैदावार में 30 से 40% की गिरावट है, पर दाम अच्छे मिले हैं तो कुल कारोबार ठीक ही देखने को मिलेगा।